सो हे गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हेल्प हिंदी में और मेरा नाम है मनीष। और दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जब गूगल पे वो अपना नाम सर्च करे, जैसे बाकी सेलिब्रिटीज के बारे में गूगल पे दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से उसके बारे में भी दिखाए। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि फाइनली गूगल ने आपकी बात सुन ली है और आपके लिए लेकर आ चुका है एक नया फीचर जिसका नाम है पीपल कार्ड, और इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, गूगल का पीपल कार्ड फीचर पाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना गूगल ऐप्स अपडेट करना होगा, और दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, गूगल का एक अकाउंट। तो चलिए देखते हैं अब ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो गूगल ऐप है उसको ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्रोफाइल आइकन पर जाकर अपने मेन प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ गूगल सर्च पे अपना नाम सर्च करना होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर स्पेलिंग आपको वही रखनी है जो कि आपके गूगल अकाउंट में है, सेम टू सेम आपको वही स्पेलिंग यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर मैंने अपने नाम का स्पेलिंग डाल दिया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम सर्च किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, एड योर सेल्फ टू गूगल सर्च। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, और यहाँ पर आपसे साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको उसी अकाउंट से लॉगिन कर लेना है जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं उसी अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जिस पर आपको लिखा है क्रिएट योर पब्लिक कार्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ओके गॉट इट जो लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो जैसे यहाँ फोन नंबर डाल के हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ओटीपी भेजेगा जिससे आपका जो फोन नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने डिटेल्स डालने होंगे, और जहाँ जहाँ भी स्टार बना हुआ है वो आपको मैंडेटरी फील्ड है, मतलब आपको भरना जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाया कि आपका जो कार्ड है वो कैसा दिखने वाला है। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेस योर सर्च कार्ड हैज बीन अपडेटेड एंड विल अपीयर इन सर्च रिजल्ट शॉर्टली। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपका सर्च कार्ड है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अब जैसे ही गूगल पे कोई आपका नाम सर्च करता है तो वहां पर उसको आपका सर्च कार्ड दिखने वाला है। दोस्तों, मान लीजिए आपने अपना सर्च कार्ड बना लिया और आप चाहते हैं कि दूसरे के फोन में अपना नाम सर्च करें और वहां पर आपका सर्च कार्ड दिखाए। तो जब आप नाम सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपका नाम वहां पर नहीं दिखाए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो सर्च कार्ड है इसको एक्टिवेट होने में कुछ घंटों का वक्त लगता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपका नाम है वो किसी फेमस सेलिब्रिटी से मिलता जुलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने नेम या फिर अवार्ड सेक्शन में कुछ अलग चीज ऐड करनी होगी जिससे जो आपका नाम है वो मिलता जुलता ना लगे और आपका जो नाम है वो आसानी से गूगल पर सर्च किया जा सके। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए होते यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।